नेटवर्क हैकिंग इंट्रोडक्शन। यह सेक्शन में हम देखेंगे कि हम कैसे पर्टिकुलर नेटवर्क, वायर्ड नेटवर्क जैसे कि लैन केबल वगैरह होता है, या फिर वायरलेस नेटवर्क जो कि वाईफाई वगैरह होता है, उसको हैक कर सकते हैं। जनरली अगर मेरे पास वाईफाई नेटवर्क है तो मेरे को उससे पहले कनेक्ट होना पड़ेगा, उसका पासवर्ड फाइंड करना पड़ेगा, या फिर कोई सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी। सो पहले हम वो देखेंगे कि पर्टिकुलर अगर मेरे पास वायरलेस नेटवर्क है जैसे कि वाईफाई, तो वो उसको कैसे हैक करें, उसको पहले कैसे कनेक्ट करें। एंड अगर मेरे पास वायर्ड नेटवर्क है जैसे कि लैन केबल हो गया, या जो कंप्यूटर लैब्स में होते हैं अलग अलग इंटरनेट केबल से हम कनेक्शन करते हैं, तो वो हो गया वायर्ड कनेक्शन। तो उसमें कोई पर्टिकुलर पासवर्ड या ऐसा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें हमें सिर्फ वो लैन केबल कनेक्ट करना होता है अपने लैपटॉप या पीसी में, एंड हम वो नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं। सो अकॉर्डिंगली हम नेटवर्क को तीन फेजेस में डिवाइड करते हैं, प्री कनेक्शन अटैक, गेनिंग एक्सेस, पोस्ट कनेक्शन अटैक। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये तीन सेक्शन एक लाइन में है। किसके अकॉर्डिंग? तो हमारे जो रियल लाइफ सिनेरियो होता है, अगर मेरे को पास एक विक्टिम है एंड विक्टिम अपना कोई एक नेटवर्क यूज़ कर रहा है, उसका घर का होम नेटवर्क यूज़ कर रहा है, वाईफाई नेटवर्क, तो अगर मेरे को विक्टिम को एक्सप्लोइट करना हो तो मैं कैसे करूँगा? तो मान लो कि जो विक्टिम है उसके घर के जो वाईफाई का राउटर है उसका नेम है होम, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं देखूँगा कि वो होम वाला जो राउटर है वो ओपन है कि नहीं। अगर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो मेरे को उसको पासवर्ड एंटर करके उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। पर वो कनेक्ट होने से पहले भी मैं बहुत सारे अटैक्स कर सकता हूँ, जैसे इम्पर्सोनेशन अटैक, डी ऑथेंटिकेशन अटैक, इविल ट्विन अटैक, ये सारे अटैक कर सकता हूँ। तो इसको प्री कनेक्शन अटैक कहते हैं, क्योंकि मैं कनेक्ट होने से पहले कर रहा हूँ वो अटैक्स। उसके बाद सेकेंड आता है गेनिंग एक्सेस, कि अगर मैं कैसे पर्टिकुलर नेटवर्क का एक्सेस गेन कर सकता हूँ वाया डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, जैसे कि ब्रूट फोर्स हो गया या सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हो गया। सो ये जो गेनिंग एक्सेस वाला पार्ट है एंड प्री कनेक्शन अटैक, ये जनरली वाईफाई नेटवर्क्स में या फिर हम कह सकते हैं कि वायरलेस नेटवर्क में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि अगर वायर्ड नेटवर्क है जैसे इथरनेट हो गया, लैन नेटवर्क हो गया, तो उसमें तो हम डायरेक्टली जो लैन केबल होता है वो अपने पीसी नेटवर्क में कनेक्ट करके हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो पोस्ट कनेक्शन अटैक होगा वो कॉमन होगा कोई भी, या वायर्ड हो या वायरलेस नेटवर्क हो। सो जो प्री कनेक्शन अटैक है, तो मैंने अभी बताया कि जो वाईफाई पर्टिकुलर वाईफाई राउटर को कनेक्ट करना हो उसके पहले जो हम अटैक करेंगे उसको प्री कनेक्शन अटैक कहेंगे। तो वो पहले हम ये देखेंगे कि कैसे हम वाईफाई अडैप्टर का यूज़ करके कैसे पर्टिकुलर विक्टिम या फिर उसके नेटवर्क को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, कैसे उसको एक्सप्लोइट कर सकते हैं। उसके बाद हो गया जैसे मैंने बोला गेनिंग एक्सेस, कि हाउ यू गेट एक्सेस ऑफ वाईफाई लाइक ब्रूट फोर्स, सोशल इंजीनियरिंग। अगर मेरे को पता है कि ये पर्टिकुलर जो होम नेम का राउटर है उसका पासवर्ड 8 डिजिट का है, तो मैं क्या करूँगा, ब्रूट फोर्स कर दूँगा 00000000 से लेके 9999999। सो मैं अगर ब्रूट फोर्स करता हूँ तो फिर भी मेरे को वाईफाई का पासवर्ड मिल गया। फिर सोशल इंजीनियरिंग अटैक कर सकता हूँ, जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे को पता है कि इसके वाईफाई का राउटर का नेम होम है, तो मैं क्या करूँगा, सेम होम नेम का दूसरा वाईफाई क्रिएट कर दूँगा उसके रेंज में, और विक्टिम को लगेगा कि अच्छा ये तो मेरा वाला ये राउटर है, और वो मेरे एज एन अटैकर का जो वाईफाई राउटर का एक्सेस पॉइंट होगा उससे कनेक्ट हो जाएगा, एंड वो पासवर्ड डालने का ट्राई करेगा एंड हमारे पास पासवर्ड आ जाएगा। तो ये एक टेक्निक है। सो ये सारे टेक्निक्स हम आगे के लैब्स में देखेंगे विथ अ प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन। सो ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव पोस्ट कनेक्शन अटैक। सो अटैक दैट कैन बी डन आफ्टर कनेक्टिंग टू द वाईफाई नेटवर्क। एक बार मैं अटैक करके वाईफाई नेटवर्क में कनेक्ट हो गया, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसके बाद भी हम बहुत सारे सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कर सकते हैं, जैसे कि अगर विक्टम facebook.com विजिट करे तो वो facebook.com की जगह अपनी attacker.com वाली वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाए अपने आप, या फिर हम जो पर्टिकुलर यूज़र होता है उसकी कुकी स्टील कर सकते हैं, उसका डेटा स्टील कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर जो पर्टिकुलर यूज़र है वो instagram.com पे जाए
पर वो ओरिजिनल instagram.com की जगह हम अपनी फिशिंग वाली वेबसाइट उसको सर्व करेंगे। यानी जैसे ही यूज़र अपना क्रेडेंशियल ऐड करेगा तो हमारे पास उसका आईडी पासवर्ड आ जाएगा। तो ये सारे जो अटैक्स होते हैं उसको पोस्ट कनेक्शन अटैक कहते हैं, क्योंकि हम एक बार पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद ये सारे अटैक कर रहे हैं। तो हमारा जो पूरा ये नेटवर्क हैकिंग का कोर्स होगा वो प्री कनेक्शन अटैक, गेनिंग एक्सेस एंड पोस्ट कनेक्शन अटैक ऐसे सिक्वेंस में होगा। एंड ये जो तीन फेज है वो पूरा नेटवर्क हैकिंग का होगा। उसके बाद हम आगे वेबसाइट हैकिंग एंड वेब सर्वर हैकिंग एंड ऑल देखेंगे। पर जो पूरा नेटवर्क हैकिंग है या वाईफाई हैकिंग कर लो, वो प्री कनेक्शन अटैक एंड गेनिंग एक्सेस एंड पोस्ट कनेक्शन अटैक के फेज में होगा। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे एक नेटवर्क के बेसिक्स देखेंगे कि कैसे नेटवर्क वर्क करता है। एंड उसके बाद हम वाईफाई अडैप्टर का यूज़ करके कैसे हम डिफरेंट एक्सेस पॉइंट हो गया या राउटर्स हो गया उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं एंड ऑल, वो आगे के लैब्स में हम देखेंगे।